Hello friends, welcome to Recipes by Arpita. I hope you all are doing well. Today's recipe is typical Bengali prawns malai curry. Hope you will like my recipe. पहले प्रॉन्स को सॉल्ट और हल्दी पाउडर डाल के मिक्स करके रखना पड़ेगा। मैंने मेरा गैस ऑन कर लिया है, कढ़ाई रखा है गैस पे, कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देना पड़ेगा। उसके बाद इसमें मैं ऑयल डालूंगी। मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, अभी इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। आप कोई भी ऑयल जो आप घर पे यूज करते हो वो अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। तेल थोड़ा गर्म होने के बाद हम लोग प्रॉन्स को फ्राई कर लेंगे। मेरा तेल गर्म हो चुका है, अभी मैं प्रॉन्स को फ्राई कर लूंगी। आज मेरा प्रॉन्स थोड़ा छोटा है क्योंकि मुझे बड़ा साइज का प्रॉन्स नहीं मिला है मार्केट में। तो इसे मैं 10 से 15 मिनट तक फ्राई करूंगी स्लो फ्लेम में रख के। स्लो में रखने से आपका प्रॉन्स अच्छा से अंदर से फ्राई हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा प्रॉन्स ऑलमोस्ट फ्राई हो रहा है। क्योंकि प्रॉन्स बहुत छोटा था तो इसलिए इसमें मैं टूथपिक या दूसरा कोई भी कुछ अंदर डाल के मैं इसको फ्राई नहीं कर पा रही हूँ। अगर आप प्रॉन्स थोड़ा बड़ा साइज का होता है तो उसके अंदर अगर आप टूथपिक डाल के बनाओगे तो आपके प्रॉन्स सीधा ही रहता है, ऐसा मोड़ के नहीं आता है। मेरा जो प्रॉन्स था वो अच्छा लाल लाल फ्राई हो गया है, तो मैं अभी इसको कढ़ाई से निकाल लूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरा जो सेम कढ़ाई में मैंने प्रॉन्स फ्राई किया था उसी कढ़ाई में मैं अभी मलाई करी का रेसिपी स्टार्ट करूंगी। तो उसके लिए मुझे चाहिए थोड़ा ऑयल, तो ऑयल को मैं थोड़ा गर्म होने के लिए रख दूंगी।
कढ़ाई जो है वो गरम हो गया है, तो मैं अभी इसमें डालूंगी थोड़ा जीरा। दो तेज पत्ता और तीन रेड चिली, उसको थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूंगी, फिर उसके अंदर मैं डाल दूंगी कटा हुआ प्याज। प्याज को मैं थोड़ा लाल लाल करके फ्राई कर लूंगी। अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा सॉल्ट, जो कि आप आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। फिर मैं डालूंगी थोड़ा हल्दी पाउडर, अभी इसको आप थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा जीरा पाउडर, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा चिली पाउडर। ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, जो कि यूजुअली कलर के लिए डाला जाता है, क्योंकि मलाई करी तो उतना स्पाइसी होता नहीं है, बनाना नहीं जाता है मलाई करी। मलाई करी जो है थोड़ा मीठा मीठा ही रहता है, पर मुझे जो है वो उसका कलर आने से थोड़ा रेड रेड कलर तो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो मेरा जो सारा मसाला था और जो ऑनियन था अच्छा से फ्राई हो गया है, तो इसमें जो मेन चीज़ है अभी वो मुझे डालना पड़ेगा, वो है कोकोनट मिल्क, जो मैंने निकाल के रखा है पहले से। तो अभी मैं इसमें डाल दूंगी जो मेन चीज है मलाई करी का, कोकोनट मिल्क। और अभी इसको मैं अच्छा से बॉईल कर लूंगी 10 से 15 मिनट तक। तो करीब 10 मिनट तक ये जो कोकोनट मिल्क है वो बॉयल हो चुका है, जिसमें अच्छा सा कलर और खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है। अब मैं इसमें डाल दूंगी मेरा जो फ्राई किया हुआ प्रॉन्स है वो। फिर से मैं और एक 10 मिनट तक इसे बॉईल करूंगी।
अभी मैं देखती हूँ मेरा मलाई करी कहाँ तक है। वाओ, ये बॉयल होके बहुत ही अच्छा कलर आया है इसमें। तो मैं इसमें अभी डालूंगी थोड़ा सा चुटकी भर शुगर। क्योंकि मलाई करी है थोड़ा मीठा मीठा अच्छा लगता है, तो इसमें आप थोड़ा सा शुगर ऐड कर सकते हो। और अभी इसमें जो मेन चीज है वो है गरम मसाला, हल्का सा गरम मसाला। आप इसको मिला लीजिए और 2 to 3 minutes तक बॉईल कर लीजिए, फिर आपका मलाई करी एकदम रेडी रहेगा। वाओ, मेरा मलाई करी एकदम बन के रेडी है। इसका कलर तो बहुत ही अच्छा आया है, टेस्ट भी यम्मी। थोड़ा टेस्ट करके देखती हूँ। वाओ, टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा है। तो मैं अभी गैस को ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि मलाई करी पूरा रेडी है।